नमस्कार। ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में फिर से स्वागत है। हमने इससे पहली वीडियो में आरएसआईडी के दूसरे पार्ट के दो वीडियो देखे। आज मैं आपको इस वीडियो में सारे इनपुट डिवाइस समझाऊंगा। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर में डाटा इन कर सकता है वो डिवाइस इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में सबसे जो मेन सबसे ज्यादा जो प्रचलित है इस्तेमाल होता है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड के द्वारा हम किस 0 से लेकर 9 तक के नंबर, अल्फाबेट ए से जेड और विशेष करेक्टर को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि एक कीबोर्ड में अल्फाबेट की होती है ऐसे जेड वाली, न्यूमेरिक की होती है 0 से 9 वाली। ए से जेड टेक्स्ट डाटा को इनपुट करता है और न्यूमेरिक न्यूमेरिक डाटा को इनपुट करता है 0 9 वाले को। कीबोर्ड के अंदर कुछ फंक्शन की होती है जिन्हें F1 से F12 तक दिया गया है और F4 यहाँ पे फंक्शन है और ये टोटल 12 होती है। एग्जामों में कई बार आ चुका है कि F फंक्शन की कौन सी होती है, तो F1 F2 F3 F12 तक की होती है और कितनी होती है 12। इसकी थ्योरी है कि फंक्शन की सीधे फंक्शन को शुरू करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर एग्जाम में इस तरीके से आता है कि सीधे फंक्शन को शुरू करने के लिए कौन सी की इस्तेमाल की जाती है, तो आंसर होगा फंक्शन की। नेक्स्ट है, कीबोर्ड के अंदर तीन लॉक वाली की होती है जैसे कैप्स लॉक, नब लॉक और स्क्रोल लॉक, इनको टॉगल की कहा जाता है, जो किसी फीचर को ऑन और ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होती है। एग्जामिनर इसको इस तरीके से पूछ सकता है कि कौन सी टॉगल की होती है। ए एक दे दिया बस कैप्स लॉक, बाकी अन्य दे देते हैं जैसे कोई भी, और या फिर तीनों को दे दिया जाता है, ए में कैप्स लॉक, बी नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, सी और नीचे दे दिया जाता है ये सभी, तो सभी आंसर होगा। एक होती है कीबोर्ड के अंदर कॉम्बिनेशन की जैसे CTRL या ऑल्ट, ये दूसरी की के साथ में काम करती है, अकेले कुछ नहीं करती, जैसे शॉर्टकट में कंट्रोल के साथ और ऑल्ट के साथ यूज होती है। CTRL को हम लोग कंट्रोल की बोलते हैं और ALT को ऑल्ट की या अल्टरनेटिव की कहा जाता है। कीबोर्ड के अंदर यहाँ साइड में एक अलग से न्यूमेरिक कीपैड दिया जाता है जिसे संख्यात्मक पैड या न्यूमेरिक कीपैड कहा जाता है। इसके बाद आते हैं इनपुट डिवाइस का दूसरा भाग है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस में उन सभी को पॉइंटिंग डिवाइस कहा गया है जो स्क्रीन पर कर्सर की स्थिति बताता है, अर्थात जैसे माउस का पॉइंटर एक तीर का निशान होता है, उसे आपको ये याद रखना है। इसके उदाहरण है माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल, टच पैड, ट्रैक पॉइंट, ग्राफिक टैबलेट, जॉयस्टिक और टच स्क्रीन, ये सभी के सभी पॉइंटिंग डिवाइस हैं और ये USB पोर्ट से जुड़ते हैं। सबसे पहले हम लोग माउस के बारे में पढ़ेंगे। माउस सबसे लोकप्रिय पॉइंटिंग डिवाइस है जो यूजर के हाथ से कार्य करता है। आज पुराने जमाने में माउस के नीचे एक बॉल होती थी, लेकिन आजकल के जो माउस होते हैं वो ऑप्टिकल माउस हैं और उनमें बॉल नहीं होती है, उसके स्थान पर लाइट दिया गया है। जैसा कि आप ये माउस देख रहे हो, ये ऑप्टिकल माउस है। दूसरा, अब माउस में एक ऊपर एक बॉल होती है, आप यहां देख सकते हो ये वाली, इसमें तीन बटन होते हैं ऑप्टिकल माउस जो आजकल का माउस है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल, यानी कि व्हील बटन। पुराने जमाने में इससे पहले दो बटन आते थे और एक होता है मैकिंटोस, उसमें सिर्फ एक बटन आता है, मैकिंटोस का माउस होता है। नेक्स्ट है टच पैड। टच पैड भी एक माउस ही है, पॉइंटिंग डिवाइस है। आजकल अधिकांश लैपटॉप में टच पैड पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जो यूजर टच पैड की सतह पर उंगली फिराकर या फिसलाकर स्क्रीन पर कर्सर को मूव करता है। आप ध्यान से देख सकते हो, ये जितने भी लैपटॉप होते हैं उनमें इस तरह का एक टच होता है, उंगली से माउस पॉइंटर को चलाते हैं, वो होता है टच पैड माउस। नेक्स्ट आता है तीसरा, ट्रैक पॉइंट माउस। इसमें आपको एक ही चीज याद रखनी है कि ट्रैक पॉइंट माउस में एक छोटी सी रबर प्रोजेक्शन कीबोर्ड की होती है, अर्थात मैं आपको इधर समझा सकता हूं कि इसमें यहाँ पे एक बीच में इस जगह से एक स्टिक होती है और उस पर रबड़ का एक प्रोजेक्शन चढ़ा होता है, बस उसको हिलाओ और वो
उस पे जो लैपटॉप होता है उसमें स्क्रीन पर जो कर्सर होता है वो मूव करता है। एक होता है ट्रैक बॉल, क्या होता है ट्रैक बॉल, उसमें एक लाइन याद रखनी है सिर्फ, ट्रैक बॉल भी एक माउस ही है जिसमें बॉल शीर्ष पर होती है। पहले जमाने में क्या होता था, इधर से देख सकते हो ये ऑप्टिकल माउस है, इसमें नीचे की तरफ एक बॉल आती थी, लेकिन आजकल ऊपर बॉल दे दी। क्यों? क्योंकि अगर माउस को हिलाने से बॉल हिलती है तो माउस चल सकता है, तो ऊपर बॉल देने से बॉल को अपन उंगलियों से हिलाते हैं तो माउस का कर्सर अवश्य हिलेगा। नेक्स्ट आता है पांचवा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आपको देख सकते हो इस तरह का होता है, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। जॉयस्टिक गेम कंट्रोलर है और जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है ग्राफिक टैबलेट। आप चित्र में देख सकते हो इस तरह का होता है, जैसे ये यहाँ पे जो दिखाया गया है ये पेन नुमा जो होता है ये ग्राफिक्स टैबलेट है, ये ग्राफिक्स का है। होता क्या था कि जो टैबलेट आता है उसके साथ में एक इस तरह की स्टिक आती थी, वही ग्राफिक टैबलेट है, स्पेशल पेन जिसे बोलते हैं वो। नेक्स्ट आता है, ये थे पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस के बाद में आता है स्कैनर। स्कैनर दोस्तों इस तरह का होता है, आप देख सकते हो ये स्कैनर है। स्कैनर का काम क्या होता है, उसकी थ्योरी आपको अच्छे से याद रखनी है कि एक स्कैनर मुद्रित पृष्ठ यानी और ग्राफिक्स जैसे फोटो का डिजिटलीकरण करता है, उसको छोटे छोटे पिक्सल्स वाली इमेज में परिवर्तित कर कंप्यूटर को संचारित करता है। ये लेजर लेजर तकनीक पे काम करता है। तो इस तरीके से ये स्कैनर होता है, जो भी आप फोटो लेके जाते हो और फोटो से फोटो बनाते हो वो स्कैनर से ही होता है, स्कैन करके कंप्यूटर में इन करता है। एक होता है मिडी। मिडी का पूरा नाम होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इसका हिंदी होता है संगीत यंत्र डिजिटल इंटरफेस। आजकल जो भी संगीत बजाए जाते हैं, म्यूजिक बजाया जाता है, सारे उपकरण इलेक्ट्रॉनिकी रूप से कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। जो भी म्यूजिक बजेगा वो कंप्यूटर से होते हुए स्पीकर से बाहर आएगा। इसका क्या फायदा होता है, उससे डेट कंप्यूटर के अंदर वो कैप्चर भी होता है, स्टोर हो जाता है, और बाद में उसे आप सुन सकते हो, प्ले कर सकते हो, अर्थात तो रिकॉर्ड हो जाता है, तो वो होते हैं मिडी। आप तीन चीज देखोगे, इनमें से बहुत सारे एग्जामों में आता है। अधिकतर MICR का पूरा नाम आपको पूरा याद करना है, ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। एक है OMR, ये भी अधिकतर आता है, इसका पूरा नाम याद करना है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। एक है OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये तीनों, और एक और होते हैं जिसमें बार कोड रीडर, ये चार चीजें एक साथ हैं। इसमें से सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन में सिर्फ, कि ये इसका यूज कहाँ होता है। आपने देखा होगा बैंक के अंदर आजकल IFSC कोड के अलावा एक MICR कोड आता है, वो ही MICR है, और उस वो पहचान जो लिखी गई है उसे पढ़ने के लिए MICR मशीन का यूज किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है वो आपको याद रखना है, बैंकिंग उद्योग में, अर्थात बैंक में। किस काम से आता है, जो चेक होते हैं और क्लियरिंग दस्तावेज होते हैं उनको चेक करने के लिए। नेक्स्ट आता है OMR। OMR का पूरा नाम याद करके आपको ये याद रखना है, जो आजकल OMR शीट में पेपर होते हैं उनमें गोले होते हैं इस तरह के, उनको क्या करते हो आप, गोला कर देते हो। तो इस तरह की जो कॉपी होती है उनको चेक करने के लिए जिस मशीन का यूज किया जाता है, स्कैनर का यूज किया जाता है, वो होता है OMR। आपको यहां से याद रखनी है इसकी थ्योरी, जो पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान के एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए उपयोग होता है, ये इसकी थ्योरी है, उसका आंसर होता है OMR। कहाँ कहाँ उपयोग होता है, परीक्षाओं में उपयोग किए जाने वाले उत्तर पुस्तिका, OMR शीट को स्कैन कर आउटपुट या रिजल्ट देना। आजकल इसका उपयोग OMR सर्वे, चुनाव और परीक्षाओं के टेस्ट के लिए किया जाता है। एक होता है OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। OCR का इस्तेमाल होता है, हाथ से पकड़ के चलाया जाता है। OCR का यूज प्रिंटेड पेपर का डाटा हो, पासपोर्ट दस्तावेज हो, बैंक चालान हो, बैंक स्टेटमेंट हो, कंप्यूटर की रसीदें हो, बिजनेस कार्ड, मेल आदि को स्कैन कर डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित कर देता है। एक मशीन होती है बारकोड। बारकोड दोस्तों किस तरह के होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, इस बुक में दिया गया है। ये जो देख रहे हो आप ये बारकोड है, निजी केवल निजी वितरण हेतु। तो ये जो बारकोड में जो लाइनें देख रहे हो ये लाइनें ही बारकोड हैं, और इनको स्कैन करने के लिए बारकोड का उपयोग किया जाता है। इसके बाद
बारकोड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसमें आपको एक लाइन याद रखनी है, बारकोड एक वस्तु को मशीन द्वारा विशिष्ट रूप से पहचान का तरीका है। कहाँ पे यूज होता है? ये एग्जाम में आता है अक्सर। ये विशेष रूप से शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर, वहां पे जो क्विक बिलिंग होती है, मतलब तुरंत बिल निकालने के लिए, और उसकी सूची प्रबंधन यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये बारकोड का उपयोग है। नेक्स्ट है स्पीच रिकग्निशन डिवाइस जो होती है वो माइक्रोफोन यानी कि माइक को बोला गया है। इसकी थ्योरी आपको इस तरीके से याद रखें, एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल ऑडियो डाटा को कंप्यूटर में इनपुट या कैप्चर करने के लिए किया जाता है। लास्ट है इनपुट का वेबकैम। वेबकैम का मतलब होता है वेब कैमरा, यानी कि एक कैमरा होता है जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है। आप यहां से इसकी थ्योरी इस तरीके से याद रखेंगे, यह कंप्यूटर से जुड़ा डिजिटल कैमरा है। तो डिजिटल कैमरा है, कैमरे का काम जो कैमरे का होता है वो ये करेगा, कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क में इमेज यानी कि फोटो वीडियो को कैप्चर करके कंप्यूटर में फीड करने के काम आता है, वो होता है वेब कैमरा। दोस्तों इस तरीके से हमने आज इनपुट डिवाइस के सारे इनपुट उपकरण कंप्यूटर के डिवाइस पढ़े, और इस तरीके से अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन आउटपुट डिवाइस।